वेलकम बैक माई चैनल। आप सब खैरियत से होंगे। और ये मैंने जो खट्टे आलू का ब्लॉग है ये थोड़ा सा पहले का था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया, सोचा वीडियो आपके साथ शेयर करो, आपको पसंद आए। ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये लेके स्कूल पार्टी के लिए मैं बना रही हूँ। हरा धनिया है और ये भी चटनी है जो मैं इसमें बनाऊँगा आलू की। और यहाँ मेरे ये आलू हो चुके हैं, मैं इनको आलू को लूँगी। अली को बस नाश्ता दे के उनको स्कूल भेजा और मैंने कहा आप जाओ, मैं बस बना के लाती हूँ कुछ देर में। तो बस अभी भी चले गई बना के, फिर इनके लिए लेके जाऊँगा। और ये भी जो मेरा प्लांट है, ये भी मैंने प्लांट जो मैंने पानी भी ग्रो कराया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, चल रहा है। ये प्लांट्स मैं भी तो मैं इसकी बात करती हूँ, इसको पानी भी करके उठ के जलीली सारे काम हुए वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बस अभी अली का ये काम करके फिर मैं आके मशीन मैंने लगा ली थी सुबह उठ के नमाज पढ़ के, तो बस मेरा काम आधे से ज़्यादा वहाँ भी हो रहे हैं। बस आके मैं फ्रिज क्लीन करूँगी, तो आई होप के आपको अच्छा लगे सबसे। और ऐसा नहीं है मैंने आराम नहीं किया, साथ साथ आराम भी थोड़ा थोड़ा करती थी, वक्त वक्त से सब थोड़ा सा रेस्ट कर लेती थी, फिर खड़ी हो जाती थी। तो इस तरह से अपना आराम कर करके मैंने काम भी किया, क्योंकि मुसलसल मैं अभी काम नहीं कर सकती, तो थोड़ा आराम कर लेती हूँ फिर काम कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम भी हो जाते हैं और हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, तो नीचे थोड़ी हेल्प वो भी कर देते हैं कुछ काम में। तो बस अभी मैंने जल्दी जल्दी रेडी करना है। यह है और 10 मिनट 5 मिनट में तैयार हो जाएंगे चटपट से। बस ये आपके आलू ऊपर होने चाहिए, बस अभी मैं ऑयल डालूँगी इसके अंदर, ऑयल डालूँगी और मैंने पैन गर्म करने को रख दिया, ऑयल डालूँगी, हल्का सा जीरा भी ऐड कर देंगे। हल्का सा मैं जीरा ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, तो खुशबू कर दूँ। जीरा ऐड किया, नमक ऐड किया है और नमक वो ऐड किया है, आइसक्रीम काफ़ी है और चटनी को बनाई फिंस कर लेंगे, हल्का सा फिंस कर लेंगे और ये तैयार कर लेंगे। ये बहुत मज़े से बनते हैं, थोड़ा कई कुछ चटनी सब मसाले के हिस्से से खेल लेते हैं। तो कल भी देना है तो ऐसे ही रंग देना, फिर बच्चों के लिए तो मेरी ना लगी तो बदल नीचे। मेरे आलू कुछ ज़्यादा ही ना वो गए थे, उबल गए थे, तो उसकी जैसे पुछ ली ना ये थोड़े से नरम से हो गए थे, वो थोड़े से सूखने लगे थे, क्योंकि मैंने कटिंग बहुत ज़्यादा वैसी की थी कि ना हो, हल्के हल्के से आलू थोड़े से वो गए थे नरम से ना। तो अब वैसे मैंने मिर्ची कम रखी है, अब इसके बाद मैं अपना मतलब गोश्त जो है मतलब ज़्यादा नहीं हो थोड़ा सा ही है, तो बस मैं हस्बैंड के लाइक बनाऊँगी, क्योंकि अभी जब शाम में बहन आ जाएंगी तो फिर बहन के साथ हम बाहर चले जाएँगे, तो थोड़ा सा काम है बाहर और फिर उसके बाद हम जो भी खाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आके पास हस्बैंड के लाइक बनाऊँगी, दो रोटी बनाऊँगी उनकी वो भी रात में, क्योंकि हस्बैंड जो पैर सुबह जो आते हैं मतलब 12 बजे तो दोपहर का ही हो जाता है उन बेचारे का नाश्ता खाना है कि, तो बस वो रात में डिनर करते हैं हमारे साथ। तो आज तो डिनर वो अकेले ही करेंगे क्योंकि आज बहन को आने को, तो बस अभी चले गई सारी तैयारी करके घर के काम निपटा के जो थोड़े बहुत हैं तैयार कर लिया। आई होप मेरे को अच्छा लगे, बस थोड़े से ना आलू ज़्यादा ना वो उबल गए थे, गर्मी के टेस्ट में बहुत बाकी ने जायके में अच्छे मैंने चखा, और बस आई होप को भी अच्छे लगे, इनके दोस्तों को अच्छे लगे। बस अब कोल्ड ड्रिंक लेनी है मुझे हाथों हाथ जब, और मैं देती भी आ जाऊँगी। इस तरह से पैक कर दिए इनकी प्लेट स्पून, और क्या नाम है एक अलग से दिया बड़ा जो आप निकाल सकें, तो मैं इस तरह का सामान का पैक कर जा रही हूँ अली का। अब पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक रास्ते से लेंगे, ना थैली पे भी नाम लिख दिया और अलग से एक चिट भी लगा दी अली के नाम की। ये भी मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है सफाई, और नाम रखे हैं पूरा फ्रिज खाली है, तो ये कि मुझे ईजी रहेगा, ज़्यादा कुछ समेटना नहीं है, तो
बस ये कि शीशों की बस डस्टिंग करूँगी और अच्छी तरह इसको धो भी लूँगी। सोच रही पहले धो के भी इसको डस्ट कर लूँ, क्योंकि पेस्ट बिल्कुल खाली है तो ईजी रहेगा मुझे ना। तो इनाम ये क्या कर दिया, गंदी मिट्टी है तो इसमें आम रख के मैं इसे हटा दूँगी। और इसके अंदर मैंने बर्फ़ रखी है जो अभी ख़त्म ही कर दी है, और ये दूध की खुली रखी है जो मैं अस्पताल में ला के ऐसे रखती हूँ, मैं दो कंटेनर में करके रखती हूँ, बाकी पूरा खाली है। इसको भी अच्छी तरह से धो के इसकी खुली मतलब बंद करके इसको धो के फिर इसको ना सारा साफ़ कर दूँगी। फिर इसके बाद मैंने सारा धोया, फ्रिज भी धोया और किचन की दीवारें जो भी थी वो सब धो के सब कर दिया। और मैं पहले बता दूँ ये मैं बकरीद की वजह से नहीं करी, कुछ लोग सोचे शायद गोश्त रखने के लिए इन्होंने इतना खाली किया हुआ, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ जब सामान कम होता है तो मैं जल्द से जल्द फ्रिज को क्लीन कर दूँ। हर चीज़ को हर महीने में करती हूँ इस तरह से ये काम, तो ये कि एक तो फ्रिज में से स्मेल नहीं आती है और अच्छा है कि जल्दी जल्दी होता रहता है तो साफ़ रहता है फ्रिज। तो बस अभी मैंने सारा ये धो लिया है, दीवारें धो ली किचन की जो काम मेरे अहम थे, क्योंकि अब बुध वाले दिन हज है तो बस जल्दी जल्दी ईद की तैयारियां भी शुरू हैं। और ये मैं सब्जी के खीरे फ्रीज ख़ास तौर पे गोश्त रखने के लिए करा है, आता है गोश्त ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये ससुराल से भी आता है, मम्मी के घर से भी आता है और सब जगह से आता है। और ये मैंने हाथों हाथ कपड़े भी धो लिए हैं जो मेरे काम थे वो भी थे, कपड़े धो दिए सुबह ही मैंने मशीन लगाई थी नमाज के बाद ना, तो फिर अली को तैयार करके भेज दिया था। फिर उसके बाद आके मैंने अपने काम करे और मैंने आते जाते पहले धुलाई शुरू कर दी थी, हमें चाहिए थी आज पानी आ रहा है, सारा काम भी हाथों हाथ उतारे के लिए ना। बस जो हल्की हल्की कूलिंग की वजह से ही पानी आ रहा है इसको मैं साफ कर दूँगी, उसको भी मैं बंद कर दूँगी फ्रिज को, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं सामान है सब ऐसे तो मुझे चलाना नहीं है, बस फिर लेकर आएंगे क्योंकि ना सामान आता रहता है ना, तो फिर हल्का सी आती है इतना सारा सामान है। तो अभी थोड़ा सा ये आम है वो तो मैं और एक दो टमाटर है और एक दो छोटी सी चीज़ें न्यू सब्ज़ी तो ले ली आती रहती है ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा ना स्टॉक हो जाता है। अभी मेरा पेट अच्छी तरह से चमक के अंदर से अली ने पानी की बोतल रखी है, जब तक कूलिंग थोड़ी थोड़ी है तो ये ठंडा रहे, इससे तो ये बात ही नहीं मानता इतना फ्रेश ठंडा पानी पी रहा है आजकल, फिर उसको ज़ुकाम भी हो जाता है, उसके लिए अच्छा भी नहीं है, मैं उसको मना करती हूँ। अच्छी सब ग्लास है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा लोडिंग नहीं रखती, बहुत इतिहास से इसको यूज़ करना होता है। और यहाँ पर अभी फ्रिज को पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, सब साफ करके पूरी रबड़ वबड़ सब साफ करी इसकी साफ करती। अच्छा ये भी ग्लास है, बस इसका रंग ऐसा है तो पता ही चलता है ये शीशा है, यहाँ पर ना ग्लास है और इसके अंदर भी पूरा ग्लास है ऊपर भी, और भी मैंने पूरा साफ कर दिया है। अब हल्का सा कपड़ा एक दफ़ा और मारूंगी जो पानी कूलिंग की साया हो गई ख़त्म, तो बस एक दफ़ा मैं कपड़ा और मारूंगी इसको भी थोड़ा बहुत, अभी भी जहाँ जो है साफ हो जाए। तो इस तरह से मैं अपना फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, सारा साफ कर लेती हूँ, जो भी चीज़ मुझे दिखती है ना मैं करती ही रहती हूँ, उससे होता है कि ज़्यादा बटर नहीं पड़ता है और वक्त वक्त से आपको चीज़ें कर लेना चाहिए। तो फ्रिज है किचन की तो तमाम चीज़ों को बहुत तवज्जो देना चाहिए। तो बस अभी मैंने सारा क्लीन कर लिया, पहले मैंने ऑन कर दिया था, फिर हस्बैंड ने मना कर दिया कि सामान जब है ही नहीं तो क्यों ऑन कर रही, तो फिर खाली बर्फ़ करूँगे वो थोड़ा बहुत था। इस तरह से इसकी लाइटें ना होती रहती हैं, तब बस मैंने ये थोड़ा सा सामान रखा है, अलग से भी आम और काट लिए हैं, स्टैंडर पर कटी मेरे पीती रखी है।
इसके अंदर ना मल्टी लाइटें जलती है। रात में मैंने ऑन कर लिया था कि थोड़ा बहुत जो सामान है वो मैं रख लूँ, और आम मैंने जरूर कोशिश करी कि जूस बना लूँगी, और जो है थोड़े से आम कट करके रख लूँगी सुबह के लिए अली के लिए। ग्राइंड करूँगी ऐड कर देंगे। अच्छा मैं ना थोड़ा गाढ़ा जूस रखती हूँ, आम ज़्यादा डालती हूँ तो थोड़ा कम पानी में नहीं डालती, पानी में बहुत लाइटली से डालती हूँ, वैसे मैं नहीं डालती ज़्यादा, मैं मिल्क ही यूज़ करती हूँ। मेरा बेटी वो क्या है वही भाड़ा में रखती हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये मैंने अपनी लिए जूस तैयार करा है ज़ैनब के लिए, ज़ैनब को थोड़ा गर्म देना है, वैसे मैंने ठंडा नहीं पीती, गर्म ही है ज़्यादा, रूम टेम्परेचर। ये लो आपका भी निकाल दिए, ज़ैनब को दूंगी और ये मेरा है और अली का, ठीक है अपनी स्टॉल लेकर आ जाओ। एक ज़ैनब ज़ैनब को दो, ज़ैनब का ये है और ये ज़ैनब है। रेशा होता है आम का, आम का बाल निकला था, बाल निकला। मैं जूस लेकर आई हूँ, बहन आई है बहुत पहले घर का, तो ये लेकर साथ आम का जो रेशा होता है उसको बाल के रहता है। और क्या नाम है, अब इसके बाद हम आ गए थे बर्गर खाने बाहर, थोड़ा सा काम था बहन को, हमें क्या नाम है बुक स्टॉल से थोड़ा सा हमें कुछ लेना था, और बस अभी हम अली का होमवर्क जो था उसके हिसाब से भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, तो बस अभी हम यहाँ आए। और इसके बाद हमने कहा चलो बैठ के थोड़ा सा बच्चों के साथ एक और पार्टी इंजॉय कर लें, और फिर आने के बाद मैंने घर पे खाना बनाया हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड तो साथ नहीं गए थे, तो बस चले लिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए कढ़ाई बना ली, क्योंकि हस्बैंड के लायक ही थी तो और इतना था भी नहीं मटर, तो बस मैंने उनके लायक बनाई थी, बस रोटी बनाई थी। तो बस डेली मैंने काम करे तो फ्लैश लाइट मेरी बंद हो गई थी क्योंकि मोबाइल बिल्कुल एंडिंग पर आ गया था, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र हो गए वक्त के साथ साथ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, थैंक यू।